अच्छी सोच, बहुत अच्छी जुबान कि हमने खुदा का गीत गाया है और इसके बदले में खुदा आपको बहुत सारी आशीषें और बरकतें देने जा रहा है। आप लोग खुदा के पाक और पवित्र प्रजा हो, पाक और पवित्र बेटे और बेटियां, और बच्चे का फर्ज बनता है कि वो अपने पिता का, अपने बाप का शुक्र अदा करे, उसे सलाम कहे, उसे सिजदा करे और उसके हुक्मों की पालना में लग जाए। खुदा ने आज का दिन दिया, ये खुदा का दिन है और खुदा ने उस दिन को बड़ी खूबसूरत तरीके से बना के आपको दे दिया है कि आप इसमें आनंद करें, आप इसमें खुश रहें। आज के दिन में आपकी जिंदगी में कोई परेशानी, कोई दुख, कोई दुविधा, कोई दर्द ना, सारे दुख और दर्द, मुसीबतें, परेशानियां खुदा ने अपने ऊपर ले ली ताकि आप निश्चिंत और आराम से अपनी जिंदगी जो है उसे बसर करें। आज 17 तारीख हो गई है नवंबर की और बड़ा अच्छा खूबसूरत दिन है। सुबह सुबह जो धूप निकली है ना, बड़ी अच्छी लग रही है। मैं अभी आने से पहले 5-8 जल्दी तैयार हो गया है ना, 5 मिनट धूप में खड़ा हुआ, अच्छा लगा। तो खुदा ने कैसा अच्छा मौसम, अच्छा सूरज और अच्छा मौसम बनाया हुआ है। ये सारी चीज़ें आपके लिए, और इन सारी चीज़ों के बदले में खुदा सिर्फ ये चाहता है कि आप उसका शुक्र अदा करें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, तेरा धन्यवाद, तेरा शुक्र हो, तेरी महिमा हो, तेरी तारीफ हो, ये शब्द आपकी जुबान से निकलने चाहिए। सो आज का जो मौजू मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ कि हमारा खुदा जो है वो बादशाहों का बादशाह, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु और खुदावंदों का खुदावंद है। आज का मौजूद ही नहीं, हमारा खुदावंद जो है, मसीहा जो है, वो बादशाहों का बादशाह, उसके अधीन बहुत सारे, सारी दुनिया के बादशाह उसके अधीन है। मैं आपको हजारों साल पहले, मसीहा के आने से हजारों साल पहले की एक बात जिक्र कर रहा हूं। यशाया की किताब निकालेंगे, उसका 9वां अध्याय, उसकी 6वीं आयत, उस बादशाह के बारे में लिखा हुआ है कि हमारे लिए एक बेटा बख्श दिया गया, हमारे लिए एक बेटा बख्श दिया गया है, और लिखा है कि बादशाह उसके कांधे पर हो। शुरू से देखिए, मसीहा के आने से हजारों साल पहले लिखा गया है कि वो बादशाह होगा, और वो बादशाहों का बादशाह, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु होगा। कैसी बड़ी इज्जत, कैसा बड़ा नाम, कैसा बड़ा सम्मान, कैसा मुकुट उसको दिया गया। पढ़िए, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कांधे पर होगी, प्रभुता बादशाह उसके कांधों पर होगी। अभी वो पैदा नहीं हुआ, लिख लीजिए, अभी वो पैदा नहीं हुआ है, और लिखा गया है कि दुनिया की सल्तनत जो है वो उसके कांधों पर होगी। आपके लिए भी ना ऐसे ही प्लान किए गए हैं। आपके पैदा होने से पहले आपके लिए ये चीजें लिख दी गई हैं। आप लोग पहचानते नहीं, आप लोग जानते नहीं उन चीजों को। वो पैदा नहीं हुआ है और उसके बारे में लिखा हुआ है कि सल्तनत उसके कांधों पर होगी और
सातवीं आयत में लिखा है कि उसकी सल्तनत, उसकी बादशाह जो है वो बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी और उसकी बादशाह का कभी अंत ना होगा, ऐसा लिखा। पढ़िए, उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत ना होगा। ये खुदा की वाणी है, खुदा का पाक और पवित्र कलाम है। मैंने कल आपको यूहन्ना का मुकाशवा जो है वो आपके सामने पेश किया था, महीन मलमल की बात की थी, आपके पाक और पवित्र कामों की बात की थी और आज वैसा ही एक सिलसिला और पेश करता हूं, जब पतमस टापू के अंदर यूहन्ना को रखा गया उस अंधेरे में, उस काल कोठड़ी कह ले, अंधेरा ही अंधेरा था, रोशनी नहीं होती थी वहां, उस जंगल में, उस बयाबान में खुदा की पाक और पवित्र वाणी जो है उस तक पहुंची है। बादशाहों का बादशाह, खुदावंदों का खुदावंद, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु, जब उसे नया उजाला मिला तो उसने क्या देखा? उसने आसमान को खुला हुआ देखा। ध्यान से देखिएगा, मेरे साथ बने रहिए। यूहन्ना ने फिर से एक नया नजारा देखा, उस बादशाह को देखा, उस बादशाह को देखा। लिखा गया है कि उसने स्वर्ग को खुला हुआ देखा और स्वर्ग में एक सफेद घोड़े पर किसी को सवार देखा। मैं वो चीजें बताने की कोशिश करता हूं जो हमने ध्यान नहीं दिया, हमने पढ़ा नहीं और नई नई चीजें, नया नया कलाम जो है वो मैं आपके सामने रखने की कोशिश करता हूं। मैं आज बात कर रहा हूं कि मेरा मसीहा जो है वो बादशाहों का बादशाह, वो प्रभुओं का प्रभु है, वो राजाओं का राजा है, इसे मान जाइए। मैंने आसमान को खुला देखा और एक सफेद घोड़े पर किसी को सवारी करते हुए देखा और जो सवार था, जो उस घोड़े पर बैठा हुआ था, वो विश्वास योग्य और सच्चा है। पढ़िए प्रकाश की पुस्तक उसका 19वां अध्याय उसकी 11 आयत लिखा गया है। फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा और देखता हूँ कि एक श्वेत घोड़ा है और उस पर एक सवार है जो विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है। वो सच्चा कहलाता है, वो विश्वास योग्य कहलाता है क्योंकि वो बादशाहों का बादशाह। उसकी आंखें आग की ज्वाला और उसके सिर पर बहुत सारे मुकुट हैं। हमारा खुदावन जो है वो बादशाहों का बादशाह, उसका जन्म आने वाला, हम लोग तैयारी में जा रहे हैं, हमें एक बादशाह दिया गया और प्रभुता उसके कांधे पर होगी और उसकी बादशाह का कभी अंत ना होगा क्योंकि वो सल्तनतों के ऊपर सल्तनत करने वाला बादशाह है। उसकी आंखें आग की ज्वाला, उसके सिर पर बहुत सारे ताज रखे हुए हैं और स्वर्ग में एक बहुत बड़ी सेना जो सफेद घोड़ों पर मलमल पहने हुए उसके पीछे है और उसके लिबास पर और उसके हर मुकुट पर लिखा हुआ है बादशाहों का। रेवोल्यूशन 19 आपने निकाला हुआ है, उसकी 16वीं आयत पढ़ दीजिए। उसके वस्त्र और जांग पर ये नाम लिखा हुआ है, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, देवताओं का देवता, ईश्वरों का ईश्वर है वो। मेरी आवाज जो है ना वो आपके दिल तक पहुंचे, काश मेरी आवाज जो है वो आपके कानों तक पहुंचे, इन कानों तक नहीं, अंदर के कानों तक पहुंचे, अंदर के दिल तक पहुंचे, ताकि खुदा आपको अपनी बरकतों में ले ले
खुदा आपको अपनी पहचान में ले ले। आपको याद होगा जब उसकी बादशाहत सारे संसार में फैलने वाली थी तो वो उसने यरूशलम में जाने का इरादा कर लिया। बहुत भेद की बात है, वो यरूशलम में क्यों गया था? वो अपनी बादशाहत जो है वो कायम करने गया। यरूशलम में पाम संडे वाले दिन जब वो यरूशलम में दाखिल हुआ तो उस यरूशलम में फसह का पर्व मनाने के लिए तकरीबन 16 मुल्कों के लोग उसमें शरीक थे। 16 मुल्कों के बादशाह, 16 मुल्कों के लोग उस फसह में शरीक थे और उन्होंने सबने मिलकर के कहा होशाना होशाना, मुबारक है वो जो खुदा के नाम से आता है। वही शब्द फिर दोहराता हूं, मुबारक है वो, बोलिए बच्चों, मुबारक है वो जो खुदा के नाम से आता है, जो खुदा के नाम से आता है। उन सब 16 मुल्कों के लोगों ने ना उसे बादशाह माना है। मुबारक है वो जो खुदावन के नाम से आता है। आसमान का उन सब ने माना, आसमान का बादशाह जमीन पर उतर आया है। ये खुदा की बातें हैं, खुदा का पाप और पवित्र कलाम। आसमान से उतरा हुआ बादशाह जब फिर से आसमान पर जाने के लिए तैयार हुआ, पिलातुस के सामने पेश कर दिया गया। एक दो चीजें और बताऊंगा, यूहन्ना की किताब निकालेंगे। बादशाहों का बादशाह, राजाओं का राजा, आज एक छोटे से राजा पिलातुस के सामने खड़ा है। वो जान गया था, माय डियर फ्रेंड्स, मेरे बच्चों, वो उसे पहचान गया था। उसने ही कहा था होशाना। ये पिलातुस जो था वो यहूदी आदमी नहीं था, वो यहूदी राजा नहीं था, वो रोम साम्राज्य का आदमी था, वो यहूदी नहीं था, लेकिन उसने भी जान लिया कि ये बादशाहों का बादशाह है, ये राजाओं का राजा है। और उसने क्या कहा उन लोगों से? कहा पिलातुस ने उन लोगों से क्या कहा? मैं तुम्हारे बादशाह को सलीब पर चढ़ा दूं। बड़े गहरे भेद हैं कलाम के अंदर, बहुत गहरे भेद हैं। पढ़िए जी यूहन्ना 19:15। यूहन्ना की अंजील। परंतु वह चिल्लाए, ले जा उसे क्रूस पर चढ़ा। पिलातुस ने उससे कहा, क्या मैं तुम्हारे राजा को क्रूस पर चढ़ाऊं? देखिए, वो समझ गया था, वो जान गया था, ये राजाओं का राजा है जो मेरे सामने खड़ा। क्या मैं तुम्हारे राजा को सलीब पर चढ़ा दूं? माय डियर फ्रेंड्स, खुदा आपको बरकत दे कि आप खुदा के बुलाए हुए इस जगह पर आ जाते हैं। और मैंने दो बार दोहराया है, मुबारक वो है जो खुदा के नाम से आ जाता। यूहन्ना 19:14 आयत का दूसरा हिस्सा, देखो यही तुम्हारा बादशाह है। जो राजा उसे सलीब पर चढ़ाने का हुक्म देने वाला ना, वो कहता है ये तुम्हारा बादशाह है। और उसने अंदर का तो ये भी माना, ये मेरा भी बादशाह है। पढ़िए, तब उसने यहूदियों से कहा, देखो तुम्हारा राजा। तुम्हारा राजा है। और क्या माय डियर फ्रेंड्स, जब उसे सलीब पर दे दिया गया ना, तो उसके सलीब पर ऊपर लिख दिया गया बादशाहों का बादशाह।
यहूदियों का बादशाह, यहूदियों का राजा। माय डियर फ्रेंड, आज का मेरा मौजू जो है ना वो यही है कि मेरा और आपका मसीहा जो है वो बादशाहों का बादशाह है, वो राजाओं का राजा है। जब यहूदियों ने देखा ये तो बादशाह लिख दिया है, वो फिर से तोड़े गए और इसे उतार दे, इस तख्ती को उतार दे, इस पर तो लिखा हुआ है ये हमारा बादशाह है। नहीं, पिलातुस ने कहा नहीं, वो यहूदियों का बादशाह था, वो बादशाह है और वो बादशाह रहेगा। मैंने जो लिख दिया वो लिख दिया। माय डियर फ्रेंड्स, मेरे बच्चों, हम उस बादशाह की सल्तनत हैं जिसके सामने सल्तनत की सल्तनतें जो हैं वो झुकती नहीं है, जिसके सामने बादशाह वो सलाम करते हैं। आप उस बादशाह के बेटे और बेटियां, अमरता सिर्फ उसी बादशाह की है। आखिरी आयतों पर जा रहा हूं, वह अगम्य है, हिंदी के शब्द लिखे हुए, वो ज्योति में रहने वाला बादशाह है, उसे किसी आदमी ने नहीं देखा। उसकी प्रतिष्ठा और उसका राज्य जो है युगान युग बना रहता है। मेरे बच्चों, आखिरी आयत पे जा रहा हूं, आपके साथ जाहिर नोट कर ले, जबूरों की पुस्तक है, उसका 136 अध्याय है, तीसरी आयत का पहला हिस्सा बयान हो रहा है, जो बादशाहों का बादशाह है उसकी शुक्रगुजारी करो। बस खुदा यही चाहे आप धन्यवाद 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 करते चले जाएं, बाकी सारा काम जो है ना वो खुदा ने कर दिया। आप दिल से, ईमान से, सच्चे मन से, सच्चे दिल से अपनी हाजिरी लगाएं, काम पर जाएं, बाकी सारी बातें उसको छोड़ दीजिए, उसको आपका फिक्र है। आजकल हस्पताल में कबूतर बहुत घूमते हैं, आप उनके लिए दाना लाते हैं, कोई ऐसा बंदा जो उनके लिए पानी भरता हो, दाना डालता हो और डालता हो, मेरा ख्याल कोई नहीं। लेकिन वो बादशाहों का बादशाह उन्हें भी रोज नए से नए दाने दे देता। तो आप तो उनसे बढ़कर है ना, आप बेशकीमत हैं। जो आपको छुएगा खुदा कहता है वो मेरी पुतली, आंख की पुतली को छूता। इसलिए मेरे बच्चों, माय फ्रेंड्स, मेरे स्टूडेंट्स, खुदा में बने रहिए, खुदा में बने रहिए, खुदा आपको आशीषों से भर देगा, आपको अपनी बरकतों से मामूर कर देगा, आपको एक नई जिंदगी, एक नई सोच और बहुतायत की जिंदगी में शामिल करेगा, क्योंकि वो बादशाहों का बादशाह, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, देवताओं का देवता, ईश्वरों का ईश्वर है, और उसका नाम मसीहा है, उसका नाम मसीहा है। अपने आगे बंद करते